ये देखिए पंचतीर्थ में जो कि नदी का पानी जो कि पूरे उफान पे है, वो पंचतीर्थ की ओर बढ़ता हुआ, और मैं आपके साथ जितने शर्मा, और यहाँ पर जो लोग काफ़ी देखने आए हैं पानी को, देख सकते हैं आप कितना कितना पानी जो कि दुकानों के अंदर चला गया है। ये हमारे स्थानीय निवासी हैं, इनसे पूछेंगे कुछ देर में। और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, दुकानदार से पूछना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे साथ आकाश दीप सिंह ये हैं, इनसे पूछेंगे कि नमस्कार जी, नमस्कार, कैसी स्थिति है यहाँ पर? स्थिति हालात देखकर तो बहुत पैसे जायजा लगा सकते हैं कि रिंकू की दुकान में पानी जा सकता है आज। हाँ जी तो पहुँच ही गया है। जी इससे पहले भी कभी हुआ से यहाँ पर? हाँ, पहले दो तीन बार हो चुका है, लेकिन 2018 के बाद आज ये दोबारा मंजर ऐसा देखने को मिल रहा है। जी इससे जान माल का नुकसान किसी को? नहीं, इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं है। ये तो जरूरी है, पंचतीर्थी में ब्यास नदी आती है एक बार। ठीक तो इससे पंचतीर्थी में इसे साफ करने में काफी दिक्कत आएगी? हाँ, वो तो आएगी, लेकिन हमारे पास हस्त पुष्ट और मुस्टंडे बहुत है, वो कर देते हैं साफ इसको। मैं थोड़ा खबर बना रहा हूँ, आप लैया वहाँ लैया लैया। ये देख सकते हैं आप कितने यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं पानी आया है। ये देख सकते हैं छोटे बच्चे भी आनंद ले रहे हैं पानी देखने का। अब कुछ ही देर में जो पानी है पंचतीर्थ की ओर जा पहुँचेगा। दुकानें डूब चुकी है, इनको काफ़ी नुकसान हुआ शायद, चलाई नहीं है ना, पानी बढ़ता हुआ। डंगा टेप सकता ओए, ओहो काफ़ी खतरनाक मंजर 2018 के बाद, 2018 के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला। अब तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दुकानदार और ये जी लोग आ रहे हैं, और ये दुकान वाले भी अपना सामान जो कि धीरे धीरे समेटने की कगार पर हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप हाँ जी कैसी स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो सर बहुत भयंकर है, अभी